दिव्यांगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मीडिया के माध्यम से दूर करते हैं, जिसके लिए मैं मीडिया से बहुत रिक्वेस्ट भी किया था खबर डालने के लिए, मीडिया ने नहीं डाला, जिसके बाद मुझे लगा मुझे ही पत्रकारिता करना चाहिए। वो उनका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है, पर कुछ पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, कुछ एटीट्यूड में रहते हैं, तो मैं उनसे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप इंटरव्यू दे दो। सबसे अच्छा इंटरव्यू संजय राउत साहब का लिया था मैंने एक बार, जिन्होंने बेबाकी से दिए थे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी MIM अध्यक्ष जब नागपुर आए थे तब उनका लिया। नागपुर मध्ये हिवाळी अधिवेशन होते आणि या ठिकाणी हे अधिवेशन कवरेज करण्यासाठी आमचे अनेक मीडियाचे सहकारी इथे आहेत। एक सहकारी माझा आहे, तो दिव्यांग आहे, आपण त्याच्याकडे बघू शकता। त्याचं नाव नावेद आहे आणि प्रत्येक जण इकडे आल्यानंतर नावेदकडे लक्ष जातं प्रत्येकाचं, की इतक्या शारीरिक मर्यादा असताना सुद्धा कवरेज करण्यासाठी नावेद या ठिकाणी येतो। नावेद खरं म्हणजे जी त्याची शारीरिक मर्यादा पाहिली तर आपल्याला असं वाटतं की इतकी आटापिटा कशाला केला पाहिजेत, मात्र नावेदची काय स्टोरी आहे, नावेद पत्रकारितेसाठी कसा समोर आला, हे सगळं मी त्याच्याकडून जाणून घेणार आहे। नावेद भाई, मराठी आपको आती है? थोड़ी बहुत आती है, मग हिंदी में मैं ट्राई करता हूँ। मुझे ये बताइए, आप पत्रकारिता में कब से है और क्यों आए हैं? हाँ सर, आपको बताना चाहूँगा, मैं पत्रकारिता में विगत 5 साल से हूँ। सबसे पहले मैं पत्रकारिता छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से शुरू किया था, उस समय मेरे पिताजी सर्विस में थे। फिर उसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ वो अभी तक चली है। और पत्रकारिता में क्यों आया, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हो दिव्यांगों की बहुत सारी समस्या है, चाहे रेलवे पास बनाना हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना हो, ऐसा करके बहुत सारी उनकी समस्या है जो सरकार तक पहुंचाई नहीं जा सकती। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं मेरे चैनल पेपर्स के माध्यम से दिव्यांगों की जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचा सकूँ, और इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ हूँ। जैसे कि राजनांदगांव में यूनिक कार्ड जो बनता था, उसको बनाने के लिए पहले नागपुर आना पड़ता था, लेकिन हमने जब वहाँ पे आवाज़ उठाई तो माननीय सांसद महोदय अखिलेश जी ने, अभिषेक सिंह जी ने वहाँ पे अलग से रेलवे का कैंप लगवाया था, जिससे दिव्यांगों को नागपुर नहीं आना पड़ा, वहीं के वहीं उनका काम हो गया। इस तरह से हम दिव्यांगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मीडिया के माध्यम से दूर करते हैं। वो तो मैं नवेद भाई पूछूंगा, मगर पहला मेरा सवाल है कि आप कहाँ के हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, कब तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की आपने? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं MP से बिलोंग करता हूँ। मेरा ननिहाल ददिहाल पैदाइश MP सिवनी की है, लेकिन मेरे पिताजी की जो सर्विस थी वो छत्तीसगढ़ की थी, जिससे वो रिटायर होने के बाद नागपुर में शिफ्ट हो गए। क्या करते हैं आपके पिताजी, माताजी, और घर का बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है? वैसे मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड फैमिली है, मेरे पिताजी इंजीनियर होके रिटायर हुए हैं, और जो आपके पीछे खड़े हैं जी, ये उसके बाद मैंने इनको भी पत्रकारिता में ले आया है, इनको भी पेपर से जुड़वा दिया है। दूसरी क्या पढ़ाई की आपने, उसके अलावा क्या करते हो आप पत्रकारिता के अलावा, तो क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई किया और बाद में एकदम से आप पत्रकारिता में आए हो। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मेरा BCA MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते थे, हम उनको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कोर्स C लैंग्वेज, जावा, PHP लैंग्वेज में सिखाने का काम करते थे। लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हमारे साथ, उसके बाद हमको लगा पत्रकारिता में आना चाहिए, जिसके बाद हमने BGMC किया है बालाघाट यूनिवर्सिटी से, और आज आपके सामने खड़े हैं। ये ऐसा क्या इंसिडेंट घटा था आपके साथ कि आपको ऐसी हालात में मीडिया का बूम आपके हाथ में लेना पड़ा, कलम को हाथ में लेना पड़ा? सर ऐसा ये हुआ था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गया था, जिसमें मेरा 12 मार्क्स से रह गया था, और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा पास हो गया था, जिसके लिए मैं मीडिया से बहुत रिक्वेस्ट भी किया था खबर डालने के लिए, मीडिया ने नहीं डाला, जिसके बाद मुझे लगा मुझे ही पत्रकारिता करना चाहिए। आप महाराष्ट्र का विंटर सेशन कवर करने के लिए आए, ये कितना साल है आपका आप ये कवरेज करते सेशन का?
सर असल में 5 साल में तीसरी बार लगा है यहाँ पे विंटर सेशन, कोविड के कारण बीच में यहाँ विंटर सेशन नहीं लगा था, तो टोटल 3 बार मैंने ये विंटर सेशन अटेंड किया है। अमित भाई, क्या लगता है आपको, ये महाराष्ट्र में जो उलट पलट चल रही है राजनीति में, सब यहाँ इधर के एमएलए उधर जा रहे हैं, ऐसी युतियाँ हो रही है, महागठबंधन हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हो आप? सर ये पूरी राजनीति होती है, आज इधर है कल उधर है, और उम्मीद तो ये लग रहा है 6 महीने में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको पता है महाराष्ट्र में एक बच्चू कड़ू नाम के एक एमएलए है, वो जो दिव्यांग भाइयों के लिए काम करते हैं, बहुत झगड़ते हैं, कल भी उन्होंने बड़ा एकदम से अच्छा भाषण दिया सभागृह में, आपने सुना था क्या वो? नहीं, कल का उनका भाषण मैं नहीं सुन पाया क्योंकि अधिवेशन में न्यूज़ कवरेज के दौरान मैं बिजी हो गया था। बाकी उनका काम जितना मैंने अभी तक देखा है बहुत सॉलिड काम है, कुछ मांगे मेरी अभी बाकी है, मैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो उन दिव्यांगों की मांगों को उनके सामने मैं रखने वाला हूँ। आप बहुत कोशिश करते हो इंटरव्यू लेने की, हर एक नेता का इंटरव्यू आप लेने की कोशिश करते हो, बार बार जाते हो, इस तरह से जाते, कैसा रिस्पॉन्स रहता है पॉलिटिशियन लोगों का आपकी तरफ? हाँ, ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो उनका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है, पर कुछ पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, कुछ एटीट्यूड में रहते हैं, तो मैं उनसे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप इंटरव्यू दे दो, एक बार रिक्वेस्ट करते सर इंटरव्यू चाहिए, सर दे देते तो अच्छी बात, नहीं देते तो आप जानो। क्या पूछ लेते हो नावेद भाई आप? सर मैं ज़्यादातर उन्हीं के एरिया से सवाल उठाता हूँ, जैसे कि अभी मालेगांव से आए थे मुफ्ती साहब MIM के अध्यक्ष, मैंने उनकी ही पार्टी से क्वेश्चन उठा दिया कि आप लोग ने पिछले साल 5% का आरक्षण किए थे, क्या फ़ायदा हुआ, अब तो 8 लोग को आरक्षण मिला है, तो कुछ इसी तरह के पिंच करने वाले सवाल पूछ लेते हैं। या महाराष्ट्र के कितने कौन कौन से लीडर का आपने इंटरव्यू किया और सबसे अच्छा व्यक्तिमत्व कौन सा लगा उसमें? इंटरव्यू सर बहुत ज़्यादा लोगों का ले लिया हूँ, तो ऐसा पर्टिकुलर मैं नहीं बता पाऊँगा किस किस का लिया, जैसे कि आपने बच्चू कड़ू का नाम लिया तो फर्स्ट सीजन में उनका लिया था, प्रफुल्ल भाई पटेल का भी लिया आपने परसों, प्रफुल्ल भाई पटेल का भी इंटरव्यू लिया, ऐसा क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिया, अपन पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते। सबसे अच्छा इंटरव्यू संजय राउत साहब का लिया था मैंने एक बार, जिन्होंने बेबाकी से दिए थे, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी MIM अध्यक्ष जब नागपुर आए थे तब उनका लिया। बच्चू कड़ू साहब आपसे मिले नहीं, आप बता रहे, क्या आह्वान करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए हमारे लेट्सअप के माध्यम से? सर बहुत सारी मांगे, सबसे पहले मांग ये है कि दिव्यांगों की जो पेंशन है 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये जो है मेट्रो सिटी में अगर कोई दिव्यांग को देते हैं तो वो तो सिर्फ आने जाने में ही महीने में खर्च हो जाते हैं। कोई भी अगर हैंडीकैप है, भगवान ना करे कल को कुछ के कारण अगर दिव्यांग हो जाता है, तो उसकी दवाई का खर्चा ही 1500 रुपये हो जाता है। अगर आप लाडली बहना योजना में 3000 रुपये लड़कियों को दे सकते हो, तो दिव्यांगों को क्या 6000 रुपये देने में आपको दिक्कत आ गई है? तो कुछ इसी तरह की बहुत सारी 12-15 मांगे हैं जो उनके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पिताजी है, आपके पिताजी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, आप दिन भर नावेद भाई के साथ रहते हो, क्या ये नावेद भाई का जो सपना था मीडिया में काम करने का, क्या लगता क्या है आपको ये सब? नावेद साहब का सपना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने का था, लेकिन जो उनका सीडेक में जो इंसिडेंस हुआ तो उसके बाद से इनका एम ही चेंज हो गया, उन्होंने कहा मैं अब पत्रकारिता करूँगा ताकि दिव्यांगों के बात उठा सकें। आप क्या नौकरी करते थे? मैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर था। क्या रिस्पांस रहता है पॉलिटिशियन लोगों का जब आप इंटरव्यू मांगने के लिए जाते हो, बोलते हो कि इंटरव्यू देना है हमारे बच्चे को, नावेद भाई को इंटरव्यू लेना है, तो कैसा रिएक्शन रहता है? कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट और अच्छा इंसिडेंट? नहीं, मेरे बुरा इंसिडेंट तो मेरे साथ अभी हम लोगों के साथ अभी तक नहीं हुआ, सब बहुत रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, जिनको इंटरव्यू देना होता वो तो देते, नहीं तो कहे बाकी लोग कहते सर फीटो खिंचालो, अभी हमारे पास टाइम है, उसको हम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, फिर फोटो सेशन करके निकल जाते हैं। नावेद भाई की दोस्त भी एक महिला दोस्त जो साथ में रहती है, क्या अनुभव बताएंगे आप नावेद भाई के साथ, आप दिन भर रहती है? छान वाटते मला त्यांच्यासोबत राहून, सर त्यांना यांनी कसं असं वाटते की मी खूप भाग्यशाली आहे की त्यांच्यासोबत मी सपोर्ट करते ॲक्च्युली, असं आहे। तुमची आणि त्यांची मैत्री कधीपासून आहे? मला झालं आता 5-6 वर्ष। म्हणजे तुम्ही पण पत्रकार आहात का? त्यांच्यासोबत आता मी प्रॅक्टिस करत आहे।
काय वाटतं त्यांच्या एकंदरीत स्पिरिटकडे पाहून? मी तर इम्प्रेस झालोय, त्यामुळे त्यांच्याशी मला बोलावं सगळं. त्यांना जे रिस्पॉन्स मिळते सगळ्यांकडून आणि तर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे त्यांच्याकडून. ॲक्च्युली आता निश्चित जावेद भाई, आपके स्पिरिट को हमारी तरफ से सलाम, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही स्पिरिट वाले लोग हमारे फील्ड में आए और देश के विकास में गति लाने के लिए हम कोशिश करेंगे. थांबतो आपण या व्हिडिओमध्ये. विष्णू साने, प्लेट्स अप मराठी, नागपूर.